नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। सरपंच और सचिव की उदासीनता के चलते स्कूल बना जुए का अड्डा। वहीं इस गांव में अभी तक नहीं बन पाई है पूरी तरह से आंगनवाड़ी केंद्र। हम बात कर रहे हैं इंदवाड़ा पंचायत की, जहां 2013 में स्वीकृत किया गया आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीणों के अनुसार स्वीकृति के बाद इसे पूरी राशि सरपंच और सचिव द्वारा निकाल ली गई है, जिसके बाद आज दिनांक तक यहां पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं लग पाया। इसका मुख्य कारण रहा है इसका पूरी तरह से न बन पाना। वहीं इस गांव में गंदगी की भरमार है, नालियां बनी नहीं हैं और जो बनी हैं वह साफ नहीं होती। साथ ही स्कूल के बिल्कुल पास ही कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिससे बच्चों में बीमारी का खतरा मंडराता रहता है। इसी के साथ स्कूल में गांव के लोग जुआ खेलते हुए भी नजर आते हैं, या यूं कहें कि स्कूल को ही जुए का अड्डा बना दिया गया है। प्रशासन उदासीन है क्योंकि सरपंच और सचिव को इस गांव से कोई मतलब ही नहीं। समस्या परे है कि प्रशासनिक अधिकारी आए दिन गांव-गांव जाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का भ्रमण करते हैं, साथ ही योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँच पाया है या नहीं इसकी भी बाकायदा टीमें बनाई जाती है। इसके बाद भी किसी अधिकारी की क्यों उस गाँव पर नजर नहीं पड़ी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी भैया बताएं। ये ग्राम पंचायत इंदवाड़ा में बस 2013 से स्वीकृत हुई थी हमारे यहाँ आंगनवाड़ी पंचायत द्वारा जी। तो सचिव और सरपंच पूरी राशि निकाल के खा गए इसकी। ना तो इसमें गेट लगवाया, ना मोरम डाली, ना उसमें शौचालय बनवाया बच्चों के लिए। अच्छा, पूरी राशि निकाल के खा गए। सचिव का नाम है सीमा बिलाला, सरपंच का नाम है उधम सिंह आदिवासी। ये स्थिति चल रही यहाँ पे, ना यहाँ पे साला पे ये नल चालू है, ना साला की अभी तक बाउंड्री करवाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम एनबड़ा में, एनबड़ा पंचायत, जो ये कौन सी क्लास तक है ये स्कूल? मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल है जो यहाँ पे, ना तो स्कूल की बाउंड्री है, ना कोई स्वच्छता अभियान की कोई भी चीज़ है। क्या नाम है आपका? मरवीर सिंह। बताइए क्या समस्या है? पानी नहीं है साहब, यहाँ पे पीने के पानी से बहुत परेशान है। पीने के पानी से आप लोगों ने कभी बोला नहीं सरपंच वगैरह से? कई बार बोला, कई बार बोल दिया, कहते हैं कि अब पानी की व्यवस्था है नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो मिडिल स्कूल है 8th क्लास तक। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हमसे बोल दिया कि शौचालय बनवा लो, हम पैसे दे देंगे। हमने शौचालय बनवा लिए और हमारे पैसे नहीं दिए और कागजों पे दस्तखत करवा ले गए, पैसे निकलवा लिए। अच्छा, कौन सी पंचायत है ये? एनवाड़ा। एनवाड़ा पंचायत। सरपंच कौन है? प्रकाश सिंह करार। प्रकाश सिंह करार। और सचिव? गोविंद सिंह। झागर से हमारे सहयोगी जालम करार की रिपोर्ट।
कल देर रात गड़ा के रास्ते में रेत से भरा हुआ डंपर पलट गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि एक ट्रक जो कि गुना की तरफ से जा रहा था, वहीं सामने से आते हुए दूसरे ट्रक से उसकी भिड़ंत ना हो जाए, इसलिए डंपर चालक ने डंपर को रोड से नीचे उतारा, जिसके चलते डंपर खाई में जा गिरा। वहीं ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। इसके तुरंत बाद ही ड्राइवर ने 100 डायल को सूचना देकर उक्त ट्रक के बारे में बता दिया, लेकिन पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। रात को कितने बजे की घटना? 9:30 के बाद। जागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री जयवान सिंह पवैया के नाम कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को दिया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि कॉलेज में जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे कि शिक्षा में सुधार हो सके। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यदि समय रहते मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि शासकीय पीजी कॉलेज में कई सालों से प्रोफेसरों की कमी है, जिसको दूर करने के लिए अतिथि विद्वानों का सहारा लिया जाता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से स्थायी प्रोफेसरों की नियुक्तियों की मांग की है। काम कर रहा है छात्र संगठन होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में सबसे सक्रिय होते हुए शिक्षा से जुड़े विभिन्न संकायों एवं संस्थाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करती रही। विश्वविद्यालय परीक्षा संचालित करने के मात्र केंद्र बनकर रह गए हैं। विश्वविद्यालय मूल्यांकन में प्रदर्शित न्यायिकता एवं स्पष्टता का अत्यंत अभाव है। एक तरफ तो सरकार अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करती है, दूसरी ओर देख दीपक रघुवंशी जिला सेंटर आवाज इसको माननीय शिक्षा मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेके लीडिंग कॉलेज जितने जिले के हैं सब में लीडिंग कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता ऐसी शिक्षा जो चलाई जा रही बहुत अच्छी मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही, किंतु ये सब व्यर्थ है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा योजनाएँ तो चलाई जाती किंतु उसमें जिन योजनाओं को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं प्रोफेसर हैं ऐसी कई नियुक्ति जो होना चाहिए वो बिल्कुल खाली हैं। जीवाजी में भी कोई काम नहीं हो पा रहा, इसलिए आज पवैया जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। विद्यार्थी परिषद ने 21 सितंबर 2016 को भी अवगत कराया गया था किंतु हमारी मांग पूरी नहीं हुई। अगर जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया और मध्य प्रदेश में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बात होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। आम आदमी पार्टी का मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मंडल स्तर के अध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य 26 तारीख को आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भोपाल में किया जा रहा अनशन है और इस संसद में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंच सके इस बात पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही भोपाल जाने की रूपरेखा भी तैयार की गई। बंदे मातरम निकलो घरों मकानों से, चलो बेगानों से, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आम आदमी पार्टी ने मंडल मंडल अध्यक्षों का सम्मेलन रखा है, जिसमें गुना और म्याना के मंडल अध्यक्ष
आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में जगह जगह मंडल अध्यक्ष का सम्मेलन चल रहा है। हम 26 तारीख की तैयारी कर रहे हैं, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संयोजक जी आलोक अग्रवाल जी किसानों के हित में धरने पर अनशन पर बैठेंगे। यह मंडल अध्यक्ष सब वहां जाने के लिए तैयार हैं। रोजगार सहायक संगठन के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। रोजगार सहायकों की माने तो जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्राम पंचायत के काम अटके पड़े हैं। कल रोजगार सहायक प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जनपद स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाएंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो रोजगार सहायक संगठन के धरना का ये तीसरा दिन है। अभी तक शासन स्तर से किसी भी प्रकार की रोजगार सहायकों के विषय में पहल नहीं की गई है, और जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जनहितैषी वो डिले होती जा रही हैं। स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास, बहुत से हितग्राही परेशान हैं, उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कर्मकार मंडल का भी सत्यापन नहीं हो रहा है, फिर भी शासन ध्यान नहीं दे पा रही है। और इसी क्रम में कल रोजगार सहायकों ने अपना शासन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रमदान कार्यक्रम रखा है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जनपद लेवल पर सफाई की जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक का आयोजन पिछले माह आयोजित की गई किसान सम्मान यात्रा के बारे में किया गया। इस बैठक में यात्रा के दौरान ग्रामीणों से सुझाव लिए थे, उसके बारे में उस यात्रा में कितने ग्रामीणों का सम्मान हुआ, उनकी संख्या कितनी थी, ग्रामों में कितनी सभाएं आयोजित की गई, इस यात्रा से संगठन को कितना लाभ हुआ, इस पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बोला भैया हमने 50-60 साल में कभी हम उनका स्वागत करते थे, आने वाले जनप्रतिनिधियों का कभी आपको जो है आपका भैया सम्मान यात्रा निकाली थी पूर्व में हमने 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चली थी। उसकी समीक्षा मीटिंग आज रखी गई, जिन किसानों का हमने गांव में सम्मान किया था उनका भाव भी जानना है, गांव के जो सुझाव थे किसानों के वो भी हमने जानने के लिए आज मीटिंग रखी है। और किसानों का कितना सम्मान किया है, उन सभी किसानों की संख्या, कितने गांवों में सभा हुई है, इससे संगठन को क्या लाभ हुआ है, सारी जानकारियों के लिए आज हमने समीक्षा मीटिंग रखी चारों विधानसभाओं की। और जो भी एक विधानसभा में 3 अनिवार्य रूप से जो समस्याएँ हैं जिनसे पूरे क्षेत्र को लाभ हो सकता है, ऐसी 3 समस्या भी हम इसमें बताएंगे, जिसके ऊपर सरकार उस क्षेत्र में कार्य करेगी, जिससे संपूर्ण क्षेत्र को एक विकास की नई दिशा। भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर के अनुसार बना ग्राम में लगे एसबीआई के एटीएम को कल देर रात लूट की कोशिश की गई। प्रबंधक के अनुसार इस लूट को अंजाम देने के लिए करीब 20 से 30 मिनट तक आरोपीगण एटीएम कक्ष में मौजूद रहे, जिन्होंने सब बल व धारदार हथियार से एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। गनीमत रही कि जिस लॉकर में पैसे थे उसका ताला ये लोग नहीं तोड़ पाए, जिसके चलते एक बड़ी लूट होने से बच गई। अक्सर देखा गया है कि अपराधी एटीएम को आसानी से निशाना बना लेते हैं, जिसका मुख्य कारण है वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। पहले भी कई लूट गुना जिले में हो चुकी हैं, जिनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब देखने लायक होगा कि पुलिस इस लूट की कोशिश को किस तरह से सुलझा पाएगी। हाँ जी सर।
ये KTM आउटसोर्सिंग कंपनी के अंडर में पूरा काम वही देखती है, ब्रांच से कोई लिंक नहीं। आज रात में किसी ने तोड़ी कोशिश की, इसका फ्रंट मैन गेट तोड़ दिया, लास्ट अंडर जो है जहाँ कैश रहता है वो नहीं, और रात में कब हुआ ये नहीं पता है। अब आगे इसको सील कर दिया गया है, FIR हो गई है, कंपनी द्वारा FIR की गई है, उसको जो भी हुआ कटर के बाद में उसको देखा जाएगा। केस संभावना ऐसी केस नहीं गया है, फिर वो खुलने के बाद कटेगा तब मालूम पड़ेगा केस गया है। तो सर कुछ ऐसी जानकारी है या कितने तरह के नोट थे? नहीं, ये सब गया ऐसी आपके पास कुछ? हमारे पास जब रिपोर्ट नहीं रहता उसको, रिपोर्ट निकलेगी उसकी तुम्हें आ जाएगा। तो यहाँ पे CCTV कैमरा चालू था या नहीं था? वो तो अंदर उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, रात में शायद बंद हो जाता है क्योंकि उसमें लाइट दूसरी व्यवस्था है, उसमें लाइट रात में अगर लाइट रही होगी तो उसमें से रिकॉर्डिंग हुई होगी, अदरवाइज नहीं। वो तो ATM खुलेगा तब। झागर से हमारे सहयोगी जालम सिंह की रिपोर्ट। म्याना रेलवे अंडर ब्रिज पर बड़ा हादसा टला, सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्राली का अचानक घाटी पर ट्रैक्टर के चारों पैर ऊपर हो गए और दोनों साइड वाहन खड़े होकर जाम लग गया। इसके साथ ही जब ट्रैक्टर को सीधा किया गया तो वह ट्रैक्टर गियर में पाया गया और ट्रैक्टर कुदरती रूप से चल दिया और गल्ला मंडी की बाउंड्री में भिड़ता हुआ आगे चला गया। बहुत से व्यक्ति वहाँ खड़े हुए थे जो कि एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लगभग आधे घंटे तक जाम लगा रहा। जान दो पैर उठ जाओ, कार उठ जाओ, गियर में तो जाओ। गियर में तो यार अरे आने जाने याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इस छोटे से शहर में छुपा हुआ है बहुत सा हुनर, लेकिन अभी तक सामने क्यों नहीं आया? ये कहना है गुना में चल रही नेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप में ट्रेनिंग दे रहे दिल्ली के फेमस एक्टिंग डायरेक्टर विकास बाहरी का। विकास मध्य प्रदेश के नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित एक्टिंग वर्कशॉप में युवाओं को एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसे विनर सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। विकास शहर के युवाओं के अभिनय की क्षमताओं से खासे प्रभावित हैं और गुना में कलाकारों के साथ ही एक प्रोडक्शन भी करने वाले हैं, लेकिन उनका कहना कि अभी तक इतने अच्छे शहर में और भी युवा कलाकार निकलकर सामने क्यों नहीं आ पाए हैं। हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है। इस एक्टिंग वर्कशॉप में दूसरे प्रशिक्षक हमारे शहर के युवा चेहरा मधु जैन है, जो कि बहुत ही कमाल के एक्टिंग ट्रेनर हैं। छात्र उनके एक्टिंग सिखाने के तरीकों से खासे प्रभावित हैं। मधु चाहते हैं कि शहर का एक्टिंग टैलेंट छुपा ना रहे बल्कि निकलकर सामने आए। अगर युवा चाहें तो इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक इस वर्कशॉप में गुना ही नहीं बल्कि दिल्ली और इंदौर से भी छात्र एक्टिंग के कोर्स सीखने के लिए ज्वाइनिंग ले चुके हैं। आप फिर बेटा पानी लेना बोलते बड़े चल बैठ मंत्र पढ़ बेटा। भगवान ने मन लगाया क्या कुछ? जीवन में तरक्की होगी और सद्भावना आएगी, हमेशा कट्टरपंथी सीखता रहता। बैठ नीचे जब बेटा मेरे कुरान की मंत्र पढ़ ओम ओम पंडित के घर में क्यों पैदा हुआ?
श्रद्धा दूसरे नहीं होगा जाके जाके कुछ पानी मानी लेके आ गए न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।